हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सिविल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, इस बार जो नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन लेके आया हूँ वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, FCI की तरफ से। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन इन पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देख बताते हैं आपको कितनी कितनी वैकेंसी है सभी पोस्ट में। जैसे कि ये जोन वाइज डिवाइड है, तो नॉर्थ जोन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट कोड है A, और मैक्सिमम एज लिमिट जो यहाँ पर बताई गई है, मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर है। ठीक है, और टोटल पोस्ट कितना है, 46 नॉर्थ जोन में। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए 28 जो है एज लिमिट है, और 30 पोस्ट दी गई है, और पे इसके लिए यहाँ से देख सकते हैं 11,100 से 29,950 रुपये। इसी तरीके से स्टेनो ग्रेड सेकंड का, ए जी मतलब होता है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड का, जो कि हिंदी में, तो उसके लिए भी यहाँ से देख सकते हैं 22 पोस्ट है, एज लिमिट 28 मांगी गई है। उसी तरीके से AG थर्ड यानी कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए भी 27 जो है कि एज लिमिट है, और 256 जो है वैकेंसी है इसमें AG थर्ड में। तो कौन कौन से, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, खैर मोटा मोटा बता दूँ तो टोटल जो सिविल में हल, जैसे कि देखिए ईस्ट जोन का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ये ईस्ट जोन का है, तो यहाँ पे देखिए 28 जो है एज लिमिट मांगी गई है, 26 जो है पोस्ट है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 28 एज लिमिट है और 10 पोस्ट है। ठीक है, तो मोटा मोटा बता दूँ तो BTEC और या डिप्लोमा अगर आपने किया है सिविल से, ठीक है, तो आपको टोटल जो वैकेंसी है 117 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोनों को ही मिला के टोटल 72 वैकेंसी है टोटल सभी जोन को मिला के। ठीक है, और AG थर्ड यानी कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो अकाउंटेंट के लिए BCOM वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 509 वैकेंसी है, और AG थर्ड जो टेक्निकल के लिए है यानी कि आपने BTEC या BE किया हुआ फूड इंजीनियरिंग से, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, या फिर BSc किया हुआ है, तो 720 वैकेंसी है। तो इस नोटिफिकेशन में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि वेस्ट जोन की बात हो रही है, तो सिविल इंजीनियरिंग में वेस्ट जोन के लिए 14 वैकेंसी है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के जो मैंने आपको बता दिया है, तो ये नॉर्थ जोन यहाँ से स्टार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन। तो वीडियो पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा, या फिर वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। ठीक है, तो अगर आप जो है कि जूनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, साथ ही साथ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर जो है एक्सपीरियंस। अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने BTEC कर रखा है तो फिर आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम वही कंडीशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी है कि डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, आर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए भी आप देख सकते हैं राइटिंग स्पीड मांगा गया है 40 वर्ड पर मिनट, या फिर 80 वर्ड पर मिनट जो है राइटिंग स्पीड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं AG थर्ड यानी कि क्या असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल के लिए BSc इन एग्रीकल्चर आर इन फॉर ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी BSc विथ एनी अदर फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि बॉटनी, जियोलॉजी, यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। BTEC आपने किया रखा हो AG से, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, या फिर बायोटेक से, तो फिर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, जो आपको एज लिमिट वहाँ पर बताई गई थी, तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्म आप ऑनलाइन जो है कि भरेंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, सिलेबस की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए ये जो पेपर होना है, पैटर्न
पैटर्न इन ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। तो ये दो फेज़ में होने वाले हैं, फेज़ वन और फेज़ टू, ठीक है, फेज़ वन और फेज़ टू। तो फेज़ वन जो होगा उसमें क्या आपको आएगा, सबके लिए कॉमन होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, जो कि 30, 35, 35, ये इतने क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल जो है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, और 60 मिनट का आपके पास समय रहेगा फेज़ वन को क्लियर करने के लिए। फेज़ वन क्लियर हो जाता है तो आपको फेज़ टू में आना पड़ेगा। फेज़ टू जो कि होगा, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का आप पेपर देंगे, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, एजी है तो एजी, तो उसी हिसाब से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज़ टू के लिए, ठीक है, तो फेज़ टू एजी थर्ड के लिए पोस्ट कोड क्या है, एफ़ है, आई है, ई है, सी है, ए और बी। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट कोड है वो ए है, और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए पोस्ट कोड बी है। बाकी जो भी सारी डिटेल है आप यहाँ से वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर वन और पेपर टू, पेपर वन और पेपर टू किसके लिए था, सिविल, और देखिए यहाँ पे पेपर वन और पेपर टू किसके लिए था, सिविल और मैकेनिकल के लिए। तो इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ कैरिंग वन मार्क्स, ठीक है, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान में रखिएगा 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें, ठीक है। सिलेबस की बात कर लेते हैं, अगर आप जो है कि सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर रहे हैं तो जो है कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, सॉयल मैकेनिक्स, एस्टिमेशन, कास्टिंग एंड इवेल्युएशन जो है रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, इस तरीके से आपको रहेगा। जूनियर इंजीनियर अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। बाकी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए भी ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो है कि एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चरल का रहेगा तो ये वाले सब्जेक्ट है, बॉटनी के लिए ये सारे सब्जेक्ट है, जियोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, तो एक बार जो है कि इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं डेट की, ठीक है। तो जो डेट है वो अप्लीकेशन बिगिन होगा 23 फरवरी 2019 से, ठीक है, 23 फरवरी 2019 से, और लास्ट डेट इसकी कितनी है, 25 मार्च 2019, ठीक है, 25 मार्च 2019 जो है इसकी लास्ट डेट है। अभी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड का डेट आया नहीं है, जैसे भी आ जाएगा तो फिर मैं उसको आपको बता दूंगा एक अलग वीडियो बना के, ठीक है। और अप्लीकेशन फ़ी कितनी लगनी है उसकी बात कर लेते हैं, तो जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनको 500 रुपये जो है अप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी, और बाकी एससी एसटी और आल कैटेगरी फ़ीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं लगना है, 0 रुपये, ठीक है। तो फटाफट से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। टोटल अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं, सारे टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल जितने भी ग्रेड के वैकेंसी हैं, तो लगभग 4103 पोस्ट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, तो एक बार अप्लाई कर देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो